हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 8, लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन हमें परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक। जैसे हम जुपिटर नोटबुक कनेक्ट करेंगे तो हमारा यह ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन डिस्प्ले होगा और फिर होम पेज में हमें हम आ जाएंगे। यहाँ पे हमें न्यू नोटबुक ओपन करना है और वहां पर हमें कोडिंग लिखना है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन, ये दो टाइप के रिग्रेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे हम पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे, पैंडास, एसपीडी, नमपाई, एस एन पी, देन मैटप्लॉटलिब। अब हमें फिगर डॉट फिगर साइज ये हमें स्पेसिफाई करना है, 12.0, 9.0। अब डेटा के लिए हमें डेटा डॉट सी एस वी ये वाला फाइल लेना है। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको ये अपलोड कैसे करना है। आपको होम स्क्रीन पे जाना है और फिर यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपका जो डेटा फाइल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसका लिंक ले लीजिए और आप इसको लोड कर लीजिए। ये देखिए डेटा का फाइल, आप जहाँ पे भी स्टोर करेंगे, चाहे वो डाउनलोड्स में हो या डॉक्यूमेंट में, आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर उसको अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको अपलोड कर देती हूँ तो ये जो डेटा का फाइल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, डेटा डॉट सी एस वी। ये जो फाइल है इसको अब हम यूज करेंगे हमारे रिग्रेशन मॉडल के लिए। तो अब मैं पाइथन नोटबुक में जाती हूँ। ये जो कमांड है डेटा इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सी एस वी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि मैंने फाइल को अपलोड कर दिया है। अब हमारा एक्स हो जाएगा बिगिनिंग टू 0 और वाई हो जाएगा 1। देन हम स्कैटर प्लॉट डिस्प्ले करेंगे एक्स वाई एंड पी एल टी डॉट शो। तो ये देखिए जो हमारा स्कैटर प्लॉट है वो डिस्प्ले हो रहा है वैसे ही। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कौन सा प्री प्रोसेसिंग यूज करना है। तो हम पहले नमपाई और पैंडास तो हमने इम्पोर्ट किया था, अब हम करेंगे एसकेलर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल एनकोडर। और हमारा जो डेटा था उसको हम इनिशियलाइज करेंगे, कार ब्रांड्स हम लिखेंगे, अलग अलग टाइप के जो कार ब्रांड्स है वो हम यहाँ पे ले लेंगे और फिर हम लेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यूज, विच इज 3,1,36, 1,50,40,36। मतलब हम टोटल 36 वैल्यूज लेने वाले हैं फॉर एक्स एज वेल एज वाई। एंड यहाँ पर हमारा जो एवरेज होगा एक्स के लिए वो है 3, स्टैंडर्ड डिविएशन है 1, वाई के लिए हमारा एवरेज है 150 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 40। तो ये डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लेबल एनकोडर यूज करेंगे जिससे हम कैटेगरिकल कोडिंग कर सके। ये देखिए हमने लेबल एनकोडर यूज कर लिया। अब हमें लेना है डीएफ कार ब्रांड एनकोड, मतलब हम जो कार ब्रांड्स है उसको हम इनकोड करेंगे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म फंक्शन से। हमने डीएफ के अंदर जो कार ब्रांड है उसको हमने इनकोड कर लिया। देन वी आर डिफाइनिंग एक्स एंड वाई फॉर लीनियर रिग्रेशन। तो ये एक्स और वाई है, इसको हम डीएफ का एक्स डीएफ वाई ये हम इनिशियलाइज कर देंगे। अब हमें मॉडल बिल्ड करना है तो एक्स अंडरस्कोर मीन इज इक्वल टू एन पी डॉट मीन एक्स एंड मीन वाई ये हम ले लेंगे। नम इक्वल टू 0, देन डी एन इक्वल टू 0, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। अब हम लेते हैं फॉर आई इन रेंज देन एक्स न्यूमरेटर प्लस इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स मीन मल्टीप्लाइड विथ वाई आई माइनस वाई मीन, एंड डिनोमिनेटर हो जाता है एक्स आई माइनस एक्स मीन इंटू रेस टू द पावर ऑफ 2। अब एम इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, सी इज इक्वल टू वाई मीन माइनस एम इंटू एक्स मीन। तो ये जो है ये हमारा लाइन का फॉर्मूला है। लाइन के लिए हमें इंटरसेप्ट माइनस एम एक्स, फिर हम इसको प्रिंट कर देंगे और हमारा जो वैल्यू है वो आता है -1.50। अब हम क्वेश्चन प्रेडिक्शन के लिए वाई प्रेडिक्ट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी करेंगे, पी एल टी डॉट स्कैटर एक्स कॉमा वाई। तो ये हमारा प्लॉट हो जाएगा। फिर प्लॉट मीन एक्स मैक्स एक्स मीन वाई प्रेडिक्ट मैक्स वाई प्रेडिक्ट कलर रेड प्रेडिक्शन एंड पी एल टी डॉट शो। तो ये हमारा यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन शो हो गया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन जो ड्रॉ की है वो
डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स, ये हमें देखना है। और जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे पॉसिबल लाइन है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया हमारा लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।